वेलकम टू माय चैनल आर्टेक वर्ल्ड। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्टेक वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड पान कार्ड से कैसे लिंक किया जाता है। तो दोस्तों, ये लिंक करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये किस लिए लिंक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कार्ड में काफ़ी सारे डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड से लिंक करवाया, क्योंकि आधार कार्ड एक ही बार इश्यू होता है, डुप्लीकेट इश्यूज नहीं होते। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है, उसमें लिखना है आपको पान कार्ड लिंक टू आधार कार्ड। तो उसमें देखिए दोस्तों, आप गवर्नमेंट की साइट है जो फर्स्ट लिंक आपको मिली होगी, लिंक आधार, उसमें आप देख सकते हो इनकम टैक्स ई फाइलिंग। आप जानते ही होंगे काफ़ी लोग कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का साइट होता है, उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करते ही यहाँ पर लिंक आधार का जो पहला ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसमें आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखेगा, वो पान नंबर आपका डालना है वहाँ पे, और फिर आधार नंबर आपको डाल देना है। फिर आधार नंबर पर कैसा आपका नाम लिखा है, सेम एज इट इज़ ही आपको उस तरह से लिखना है आपका नाम। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पान नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फटाफट पान नंबर डाल देता हूँ दोस्तों। तो चलिए, मैंने मेरा पान नंबर डाल दिया है और यहाँ पे मैं अभी आधार नंबर डाल देता हूँ। तो इसे लिंक करने से दोस्तों यही फ़ायदा रहता है। अभी मैंने आधार नंबर भी डाल दिया है दोस्तों। मैं यहाँ पे अभी नाम डाल देता हूँ। तो नाम आपका आधार कार्ड में जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से नाम डालना है आपको, तभी जाके ये प्रॉपरली लिंक होगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे आपको, आई हैव ओनली ईयर्स ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, कि आप जानते होंगे कि पुराने जो आधार कार्ड है उसमें सिर्फ आपका बर्थ ईयर आता था, अभी वाले में आपका बर्थ डेट आता है। तो अगर बर्थ ईयर मार सकते हो, और नीचे यहाँ पे आई एग्री टू वैलिड माई आधार कार्ड डिटेल्स विथ UDAI, यानी कि UDAI जो है वो यूनिक आइडेंटिटी की साइट है, जो आधार कार्ड की साइट है। तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे ही आप सारे डिटेल्स डाल दोगे, ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नीचे लिंक आधार दिखेगा। लिंक आधार में क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा दोस्तों, आपको वो OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार लिंक कर दिया, यानी आपका आधार लिंक कर दिया गया है। और आपको स्टेटस चेक करना हो तो दोस्तों ऊपर क्लिक हियर ऑप्शन है, वहाँ से आप यहाँ पे पान नंबर और आधार नंबर डाल के आपका स्टेटस आप देख सकते हो कि लिंक हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।